गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन अपना जो चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसका लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका मतलब बेटा न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो रहा, जो ऑलरेडी जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में ही आज के बाद में प्रॉफिट का रेशियो चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं हूँ और आप, हम दो पार्टनर्स हैं, 3-2 का रेशियो है, मुझे 3 मिलता है, आपको 2 मिलता है। आज के बाद हम चाहते हैं कि हम इक्वल इक्वल डिवाइड करें प्रॉफिट को, तो हमारे बीच का एग्रीमेंट चेंज हो गया, ठीक है ना, जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो डीड क्या हो गई? चेंज हो गई। अब डीड चेंज होने की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट चेंज होने की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, आप सिंपल एक बार सोच के देखो ज़रा। 3-2 मिलता था, अभी बराबर मिलेगा, यानी कि मुझे पहले ज़्यादा मिलता था, आपको पहले कम मिलता था, अब मुझे भी उतना ही मिलेगा जितना आपको, यानी कि बराबर बराबर होगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, ज़्यादा से इक्वल हो गया ना, तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, आपका प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया आज के बाद में, यही हुआ, ठीक है। इस वजह से क्या होगा बेटा, बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। क्या चेंजेस? आप कहोगे, एक तो गुडविल का पॉइंट हमने जो पढ़ा था, वो क्यों था कि एक पार्टनर अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करता है दूसरे पार्टनर को और बदले में गुडविल के पैसे लेता है, तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है भाई, मैं भी तो अपना प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो आप मुझे गुडविल का पेमेंट कर दो, ठीक बात है। एक तो ये गुडविल का पॉइंट हो गया, और रिवोल्यूशन वगैरह, क्योंकि अब एग्रीमेंट चेंज हो रहा है तो असेट्स का रिवोल्यूशन वगैरह भी करो, क्योंकि पहले का जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो पहले के प्रॉफिट में बढ़ जाना चाहिए, अब तो नया प्रॉफिट का रेशियो आएगा उसमें नहीं बटना चाहिए भाई, आज तक का प्रॉफिट कैसे बटना चाहिए, ओल्ड वाले रेशियो में बटना चाहिए, ठीक बात है। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी ख़त्म करेंगे, अभी तक का जो भी रिवोल्यूशन की वजह से भाई असेट की और लाइबिलिटी का रिवोल्यू करते हैं ना अपन, तो पढ़ चुके अपन, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ना, उसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट लॉस भी अभी तक के रेशियो में बढ़ जाना चाहिए, आज के बाद में तो नया रेशियो चालू हो जाएगा। तो एक बहुत आसान सा सिंपल सा टॉपिक है, एडमिशन नहीं है पार्टनर का, जो पार्टनर है वही आपस में लेनी देनी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने मुद्दे पर आता हूँ, ठीक है, हम इसको सीधा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, ओल्ड रेशियो जो इनके बीच में था वो था 5:3 का, नए के टाइम पर इन्होंने डिसाइड किया एग्रीमेंट चेंज करके, आज के बाद हम प्रॉफिट को इक्वल इक्वल क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप सोच के देखो, देखने से पता लग रहा है, पहले इसको 5 मिलते थे, इसको 3, इसको ज़्यादा इसको कम मिलते थे, आज के बाद दोनों को बराबर बराबर। इसका मतलब क्या, एक्स तो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, 5 की जगह कम हो गया ना, ये सेक्रीफाइस करेगा और ये गेन करेगा, ठीक बात है। तो सेक्रीफाइस किसका होने वाला है, गेन किसका होने वाला है। अब गेनिंग रेशियो पर वैसे कम्प्लीटली कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, गेनिंग रेशियो कम्प्लीटली पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइस रेशियो, किसने अपना प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, और गेनिंग रेशियो, किसको वो हिस्सा गेन हुआ है। ये अपने को दोनों रेशियो कैलकुलेट करने हैं पहले, ठीक है ना, ये दोनों रेशियो, बिकॉज ओल्ड और न्यू तो पता है अपने को, ये रेशियो कैलकुलेट करने हैं, और क्यों करने हैं, बिकॉज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी तो करनी है ना अपने को, ठीक है। तो सिंपली आप मुझे बताइए सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो बताइए जरा, एक्स का सेक्रीफाइस क्या होगा भाई, कि सर एक्स का ओल्ड लिख दीजिए 5/8, ठीक है, माइनस कर दीजिए, न्यू लिख दीजिए इसका कितना है 1/2, और आप इसे सॉल्व कीजिए, तो भाई मैं कितना लूँ यहाँ पर, कितना लूँ, मैं ले लूँ 8, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस 4 इक्वल्स टू 1/8। अब सोचिए ज़रा, ये सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया आपने ओल्ड माइनस न्यू करके, और उसका आंसर अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या, ये सेक्रीफाइस रेशियो ही है भाई, हमने जो फॉर्मूला पुट किया था उसी का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या है, ये सेक्रीफाइस रेशियो है,
इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था, वैसे देख के पता लग रहा था कि एक्स ने सेक्रीफाइस किया, लेकिन कितना किया, 1/8 सेक्रीफाइस किया है। तो ऑब्वियस ही बात है कि वाई को रिसीव भी कितना होगा, गेन भी कितना होगा, 1/8 ही होगा। लेकिन फिर भी निकाल के देख लेते हैं वाई का गेन रेशो कि सर इसी फॉर्मूले चलते अपन, ठीक है ना, इससे चलते क्या, ओल्ड कितना था 3/8 - 1/2, ठीक है, 3 - 4 = अब बेटा 3 में से एक 4 माइनस करोगे तो माइनस में 1 आएगा ना, तो माइनस में 1/8। अब सोचो सेक्रीफाइस का आंसर अगर माइनस में आता है तो इसका उल्टी बात हो गई, नहीं तो गेन हो गया। और आप खुद भी देखिए जरा सोच करके कि सर नए के टाइम पर ज़्यादा मिल रहा है, पुराने के टाइम पर कम मिलता था, ठीक है ना। तो माइनस में अगर आंसर आया तो इसका मतलब क्या है, ये है आपका गेन रेशो। बस अभी फिलहाल मैं आपको रेशियो निकालना सिखा रहा हूँ, इसके अंदर जब चेंज होता है रेशियो के अंदर तो भाई सेक्रीफाइस किसने किया है और गेन किसने किया है उसमें से, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है नहीं, आपका फर्स्ट वाला जो आपका था इसका सॉल्यूशन हो गया 1/8, एक का सेक्रीफाइस है और एक का क्या है, गेन है। अब आप आइए किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा क्या है, ए बी एंड सी का ओल्ड रेशियो क्या था, 3:1, और नए के टाइम पे इन्होंने अपना एग्रीमेंट चेंज कर लिया है। ये बोलते हैं कि भाई हम आज के बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं, 2:2 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं कर लीजिए। वैसे देख लो आप एक बार ज़रा, बेटा पहले 3 मिलता था, ठीक है ना, अभी क्या 2 मिलेगा, यानी इसका रेशियो क्या हो गया, कम हो गया, इसने सेक्रीफाइस कर दिया। इसका मतलब बी को पहले भी 2 मिलता था, आज भी 2 मिलता है, यानी कि बी ने एग्रीमेंट में कोई चेंज नहीं करा, भैया मुझे जितना प्रॉफिट मिलता था मैं उतना ही लूँगा, ठीक है। सी पहले 1 मिलता था, अभी 3 मिलता है, इसको क्या हो गया, गेन। तो बी का अनचेंज हुआ, ए का सेक्रीफाइस और सी का क्या हो गया, गेन सिंपली। तो अगर कैलकुलेशन की बात करें तो वही सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो ओल्ड माइनस न्यू, मैं इतना आसान तरीके से वो धीरे धीरे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है आपको, ठीक है ना, ये तो कुछ नहीं रिविज़न जैसा कुछ चल रहा है। इसका एक बड़ा क्वेश्चन भी करके बता देंगे अपन, ए का ओल्ड कितना है 3/6 माइनस न्यू कितना है 2/7, तो इसका एलसीएम कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा था कि देखो क्या करना चाहिए अपने को, इसमें से पहली बात तो अगर दोनों कॉमन संख्या है तो कॉमन ही ले लो, क्योंकि यहाँ पर वो अमाउंट लेंगे जिसके अंदर दोनों का डिवाइड कम्प्लीटली विदाउट फ्रैक्शन, मतलब बिना पॉइंट्स का आंसर आ जाए। तो 6 लेंगे तो 7 का नहीं जाएगा, 7 लेंगे तो 7 में 6 का नहीं जाएगा। तो ऐसे कैसे फिर क्या करना चाहिए, बड़ी संख्या में नहीं जा रहा तो फिर क्या करना चाहिए, हमको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए ताकि दोनों में चला जाए। 42 6 में कितना बार गया, 7 टाइम्स, 7 को 3 से मल्टीप्लाई, 21 माइनस 6 × 2 इक्वल्स टू 21 - 12 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 9 आएगा क्या, ठीक बात है, हाँ जी सर। इसका मतलब देखो सेक्रीफाइस रेशियो का आंसर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या, ये सेक्रीफाइस किया है इसने, यानी ए ने सेक्रीफाइस कर दिया 9/42। बी का ओल्ड कितना था, इसका भी चेंज होगा देखते हैं, 2/6 माइनस 2/7 चेंज होगा ना बेटा, इसका 42, ठीक है, ट्वेल्व, यानी इसने भी सेक्रीफाइस किया है, वो उस टाइम मैंने इसको जोड़ा नहीं, बाई मिस्टेक हो गया कि 2 का 2 आ रहा है, इसका टोटल 7 है वो 6 में से, ठीक है, ओके। आइए ज़रा कितना है, सॉरी 1 है ना,
वन बाई सिक्स ओल्ड वाला, और न्यू वाला कितना है, थ्री बाई सेवन, वही 42। सेवन माइनस, ये कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा रखी है, ठीक है ना, तो मैं इसके ऊपर बार बार डिस्कस नहीं करूँगा कैसे मल्टीप्लाई करना नहीं कैसे क्या करना है। 18। अब देखो, सेवन में से माइनस 18 करोगे तो माइनस में आंसर आएगा ना, ठीक है ना, कितना आएगा, 11 आएगा, 11 बाई 42, ये माइनस में आया, क्या में आया, माइनस में आया। तो आप सोच के देखिए, सेक्रीफाइस रेशियो का अगर पॉजिटिव आंसर है तो ये सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस किया, माइनस में मतलब इसने गेन करा है, इसने क्या करा है, गेन करा है। और आप सोच के देखिए कि बेटा 9 तो इसने सेक्रीफाइस किया है और 2 इसने सेक्रीफाइस किया, वो कम्प्लीटली किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, 9 + 2 11 मिल गया ना इसको, इसका 11 गेन हो गया, ठीक है। तो अभी हमने आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि किसने सेक्रीफाइस किया है, किसने गेन करा है, ठीक है ना, और इसके ऊपर ज़्यादा बहुत कुछ डिस्कशन है ही नहीं, एक गुडविल का पॉइंट बताना है छोटा सा, उसके बाद में सारी बातें वैसी हैं जैसे पहले थी, सेम टू सेम, वही रिवोल्यूशन, वही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना, वही रिजर्व सरप्लस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना, सब कुछ कंप्लीट वही है, ठीक है ना। गुडविल के ऊपर वैल्यूएशन का पार्ट तो वही है ही है, एंट्रीज के टाइम पर एक सिंगल एंट्री पास होगी, ख़त्म बात। तो बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, हम कल की क्लास में इसको ख़त्म करेंगे, देन अपन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो एक सेकेंड ज़रा होल्ड करना, मैं देख लेता हूँ क्या है। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, अपन अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं इसके आगे का, ठीक है, धन्यवाद।